चलचित्र अभियान की और वीडियोस देखने के लिए सब्सक्राइब करें और बेल आइकॉन को दबाएं। जीएसटी और जो मझोला व्यापारी है वो भी बहुत ज़्यादा इस बात से, इनके जो जीएसटी की कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है, वो लोग भी इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हैं। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यहाँ पर एक विनियर प्लाईवुड का हब क्रिएट करेंगे, जो इकोनॉमिकली उसकी सब्सिडीज के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, अन्य उसे बढ़ावा देते हुए लोगों को रोजगार और दूसरे साधन पर उपलब्ध कराने का। सहारनपुर एक टापू बन गया जहाँ से मरीज को पड़ोस के प्रदेशों में जाना पड़ता है, या तो यमुनानगर या देहरादून या दिल्ली या चंडीगढ़। तो हम यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर कुछ इस तरह की फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर सकें जिससे कि यहाँ के मरीज को बाहर ना जाना पड़े। सीसीए चुनावी चर्चा में आपका स्वागत है। हमारे साथ अभी सहारनपुर के समाजवादी पार्टी से, महागठबंधन से समाजवादी पार्टी के उम्मीदवार संजय गर्ग जी हैं। संजय जी, हमारे साथ जुड़ने के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। धन्यवाद संजय जी। इस चुनाव में मुख्य रूप से अगर मैं पूछूं तो अभी आपको क्या रिस्पांस मिल रहा है? आप विधायक रह भी चुके हैं, फिर से यहाँ पर चुनाव लड़ रहे हैं, क्या रिस्पांस मिल रहा है अभी तक? देखिए, सत्ता में रहने वाली पार्टी ने जो वायदे जनता से किए थे वो तमाम चीज़ों में जनता उस बात का आकलन कर रही है, और मैं महसूस कर रहा हूँ कि जो गरीब लोग हैं उनके अंतर्गत बहुत पार्टी के प्रति गुस्सा है और वो इस चुनाव को इस रूप में देख रहे हैं कि जो महंगाई चरम सीमा पर है, जिस तरह से बेताशा बेरोजगारी है, और उसी के साथ साथ जो दलित और पिछड़ा वर्ग के समाज के लोग हैं उन्हें ऐसा महसूस हो रहा है कि जो संविधान में आरक्षण की सुविधा उन्हें मिली थी, सरकारी नौकरियों के दरवाजे बंद होने के कारण निश्चित रूप से वो ऐसा महसूस करते हैं कि कहीं ना कहीं उनके आरक्षण को ख़त्म करने की साजिश करने का काम ये लोग कर रहे हैं। इसलिए पर्टिकुलरली दलित और बैकवर्ड कम्युनिटी के लोगों में इस पार्टी के प्रति, भारतीय जनता पार्टी के प्रति गुस्सा है, और उसी के साथ जो किसान आंदोलन जो एक लंबे समय तक चला, 12 महीने तक चला, 700 किसान शहीद हो गए, और गृह राज्य मंत्री का बेटा लखीमपुर में अपनी जीप से किसानों को रौंदता है, तो वो चीज़ भी लोगों को आहत किए हुए है जो एग्रेरियन कम्युनिटी के लोग हैं, और वो इस बात को महसूस करते हैं। जो पिछली बार ध्रुवीकरण के आवेश में आकर भारतीय जनता पार्टी को मत देकर गए थे, वो इस बार उन्हें मत देने का काम नहीं कर रहे हैं। संजय जी, आपने कहा कि ध्रुवीकरण की जो राजनीति आप कह रहे हैं कि यहाँ पर रही है, पड़ोस में ही मुजफ्फरनगर में 2013 में बड़ा दंगा हुआ था, 2014 में मेरी आपसे तब मुलाकात भी हुई थी, 2014 में जब यहाँ सिख मुस्लिम एक दंगा हुआ था गुरुद्वारे की ज़मीन को लेकर, क्या आपको लग रहा है कि उसमें अब कितना बदलाव आया है? देखिए, मैं ये महसूस कर रहा हूँ कि पिछले चुनाव में हमें 4 कम्युनिटीज़ के वोट जो नहीं मिले थे इन्हीं ध्रुवीकरण के कारणों से, वो इस बार उनका झुकाव समाजवादी पार्टी और गठबंधन की तरफ है। पहले तो किसान तबके में खासतौर से जाट समाज का वोट जो नहीं मिला था मुजफ्फरनगर दंगे की वजह से, इस बार मैं समझता हूँ कि 90% उनका झुकाव स्वतः गठबंधन के साथ है, और वो अपने आप को लूटा सा महसूस कर रहे हैं। और इसी तरह से जो दूसरा 2014 के चुनाव में यहाँ पर गुरुद्वारे की जो घटना घटित हुई, उसमें भी सिखों को जो खालिस्तानी कहा गया, अपमानित किया गया, पंजाब में जिस तरह से इन्होंने सिखों के प्रति नफरत पैदा करने की कोशिश की, और उसके साथ लखीमपुर में जिस तरह से जो किसानों को और सिख किसानों के ऊपर झोंकाड़ी चढ़ाई, उसके प्रति भी सिखों में गुस्सा है, और वो कहीं भी इस तरह की बातों को पब्लिक फ्रंट पे भी कह रहे हैं कि भाई पार्टी ने अमुक तरह से हम लोगों के साथ अन्याय कर अपमानित करने का काम किया है। तो वो सेक्शन भी एक हमें, मैं सिखों के उसमें मैं ये नहीं कह सकता कि ये 100% हमारे साथ है, पर मैं ये उम्मीद करता हूँ कि मोर देन 60% सिख समाज का वोट का आकर्षण हमारी तरफ है, और दूसरा दलित और समाज का, और तीसरा चौथा वाल्मीकि समाज का वोट जो है वो कुछ लोकल कारण है और कुछ हाथरस की घटना से जो वाल्मीकि नौजवान है बहुत ज़्यादा आहत है। वहाँ एक दलित महिला के, वाल्मीकि महिला के साथ जिस तरह से रात को 2 बजे सबूत मिटाने के चक्कर में मिट्टी का तेल और पेट्रोल डालकर जला दिया गया, तो उस बात को लेकर वाल्मीकि नौजवान बहुत ज़्यादा आक्रोशित है कि भाई ये हिंदू धर्म के ठेकेदारों ने सूर्यास्त के बाद और इस तरह से का काम किया, और वो
उस बात का बदला लेना चाहते हैं। उसी के साथ साथ स्थानीय स्तर पर यहाँ निगम में चूंकि भारतीय जनता पार्टी है तो यहाँ के मेयर ने एक संस्था CNC बनाकर पूरे शहर की सफाई का ठेका अपने रिश्तेदारों के नाम करा लिया और भ्रष्टाचार में आखंड डूब कर पैसे लेकर उन लोगों को संविदा के आधार पर 8,500 रुपये मात्र संविदा पे देने की बात की, जो पहले 10 हिस्सों में बांटकर 10 वाल्मीकि ठेकेदार कर रहे थे उस सफाई को। तो एक इकोनॉमिक रीज़न भी है, कोई लगभग 250 के करीब रिक्त पद हैं जिनकी कोई पूर्ति नहीं करने का काम किया गया और उस आधार पर वो अपने आप को लुटा सा महसूस कर रहे हैं और वो भी आकर्षण इस समय उनका गठबंधन की तरफ है। आपने जो अभी बात करी, एक तरफ तो बहुत सारे यहाँ पर सहारनपुर में, जो अगर आर्थिक बेरोजगारी की बात करें, महंगाई की बात करें, सहारनपुर का एक बहुत बड़ा व्यवसाय जो है लकड़ी का व्यवसाय, मतलब फर्नीचर हैंडीक्राफ्ट, इसका जिसको एक बहुत बड़ा धक्का पहुँचा है पिछले सालों में। सहारनपुर अकेले में इफ़ आई एम नॉट रॉन्ग 2.5 से 3 लाख लोग इससे डायरेक्टली इनडायरेक्टली अपना रोज़गार पाते थे और बहुत सारे जो कारीगर थे अब वो रिक्शाएँ चला रहे हैं, अपनी ठेलियाँ चला रहे हैं, उनको एक काम छोड़ना पड़ा है। इसकी रिवाइवल का क्या आप स्कोप देख रहे हैं अगर आप लोगों की सरकार बनती है? देखिए, हम इस मामले में एक पूरा लोकल लेवल का एक अपना चार्टर बना रहे हैं। हम विपक्ष में थे, हमने विधानसभा में भी इस बात को रखा, 10 लाख टन लकड़ी रोज यूकलिप्टिस और पॉपुलर के रूप में यमुनानगर जाती है पड़ोस के प्रदेश में, वहाँ वीनियर प्लाईवुड का बहुत बड़ा हब है। पहले सुप्रीम कोर्ट ने बंदिश लगा रखी थी नए लाइसेंस 100 मिल्स के लाइसेंस देने में, वो बंदिश भी ख़त्म हो गई पिछले आखिरी पायदान पर 2017 में और नए आवेदन भी लिए गए और हमने इस बात को कहा कि यहाँ वीनियर प्लाईवुड का हब बनना चाहिए जिससे किसानों को उनके प्रकाष्ठ का उचित दाम मिल सके और उसके अलावा यहाँ पर एक हब बनकर नौजवानों को रोजगार और एक इकोनॉमिकली अपथर्स्ट मिलने का काम होगा। परंतु एक भी वीनियर प्लाईवुड का लाइसेंस मौजूदा सरकार ने सहारनपुर में नहीं दिया। लगातार 10,000 टन लकड़ी रोज जाती है यमुनानगर यमुना पार कर। तो हम ये उम्मीद करते हैं कि अगर हमारी सरकार आती है तो हम यहाँ पर एक वीनियर प्लाईवुड का हब क्रिएट करेंगे जो इकोनॉमिकली उसकी सब्सिडीज के साथ पैकेजिंग इंडस्ट्रीज, ट्रांसपोर्ट इंडस्ट्रीज, अन्य उसे बढ़ावा देते हुए लोगों को रोजगार और दूसरे साधन पर उपलब्ध कराने का। दूसरा, यहाँ हौजरी वर्कर का लुधियाना के बाद एक बहुत बड़ा सस्ते हौजरी प्रोडक्ट्स का हब है जो यहाँ बनाने का काम करते हैं, उसके कारीगर यहाँ मौजूद हैं। अभी हाल फिलहाल में जो इन्होंने कपड़ा और उस पर GST बढ़ाने का काम किया उससे सभी हौजरी वर्कर्स और हौजरी के मैन्युफैक्चरर्स बहुत ज़्यादा आहत हैं। हम उनके लिए सहूलियतें देकर उसके हब को और ज़्यादा बड़ा रूप देने की कोशिश करेंगे। तीसरा, यहाँ पर बहुत सी सब्सिडीज थी जो कि लिबर्टी के लिए शू बनाती थी और यहाँ कारीगर हैं जो जूता बनाने का काम करते हैं, काफ़ी बड़ी तादाद में है, उनका भी एक हब क्रिएट कर शू मैन्युफैक्चरिंग का हब क्रिएट करेंगे जिससे कि उनके साथ साथ उनके जो और साथ में लगने वाले उद्योग हैं उन्हें बढ़ावा मिलने का काम होगा। और उसी के साथ लकड़ी के प्रकाष्ठ में सबसे बड़ी समस्या जो एक्सपोर्टर्स की है वो इनपुट टैक्स क्रेडिट के बकाया रहने की है। कई 1,000 करोड़ रुपया यहाँ के एक्सपोर्टर्स का इनपुट टैक्स क्रेडिट में बकाया है और वो बैंकों में अनावश्यक उसका ब्याज दे रहे हैं और उसकी वजह से वो चाइना से कम्पीट नहीं कर पा रहे हैं। तो उस मामले में GST काउंसिल के अलावा हम प्रदेशीय स्तर पर क्या उन्हें सहूलियतें देने का काम कर सकें, निश्चित रूप से हम लोग लकड़ी की नक्काशी के कारीगरों के लिए उस संबंध में नीतियां बनाकर उन्हें सहूलियत देकर कोऑपरेटिव फॉर्म में या अन्य तरीकों के साथ कम्युनिटी यूटिलाइजेशन के रूप में नए एक्सपेरिमेंट कर उन्हें इस तरह से सहूलियत देने की कोशिश कर सकें। फाइनली, आपने जो कहा कि यहाँ एक तो रोज़गार की जो स्थिति है, भर्तियाँ नहीं हो रही हैं काफ़ी देर से, बहुत सारे जैसे वाल्मीकियों की अगर हम बात करें तो जहाँ परमानेंट नौकरी कई सारे सफाई कर्मचारियों की थी उनकी भी कॉन्ट्रैक्ट ठेके पर की गई है पिछले बार, उसमें क्या आप लोगों का एक कमिटमेंट है कि एक रिवर्सल होगा आपकी अगर सरकार? पहले भी जब सरकार आई थी तो संविदा शुल्क को बढ़ाने का काम कई गुना माननीय अखिलेश यादव जी ने किया, इन्होंने कोई शुल्क उसमें बढ़ाने की बात नहीं की। हम संविदा पे जो रखे जाने वाले लोग हैं उसके सिस्टम को रिवर्स करने की कोशिश करेंगे और जो रिक्त पद हैं उनमें भर्ती कराने का प्रयास करेंगे। सबके अलावा जो GST और जो मझोला व्यापारी है वो भी बहुत ज़्यादा इस बात से, इनके जो GST की कॉम्प्लिकेशंस हैं और जो बढ़ता हुआ भ्रष्टाचार है वो लोग भी इस बात से बहुत ज़्यादा आहत हैं और मौजूदा सरकार का रवैया भी ट्रेडर कम्युनिटी के प्रति बहुत ही असंवेदनहीन रहा और उसमें वो लोग मांग करते रहे कि लॉकडाउन के दौरान जिन लोगों ने अपने
लोन ले रखे थे या जो सीसी लिमिट्स ले रखी थी उनके ब्याज लगातार बढ़ते रहे, तो उस पीरियड का ब्याज उनका माफ़ कर दिया जाए जो नहीं किया गया। इसी तरह से इलेक्ट्रिसिटी के जो फिक्स चार्जेस हैं, अब बड़े बड़े उद्योगों में बड़े बड़े कनेक्शन कोई 100 किलोवाट, 200 किलोवाट, 500 किलोवाट, उनके फिक्स जो चार्जेस हैं उन्हें भी माफ़ करने का काम नहीं किया गया तमाम व्यापार मंडलों की मांग के बावजूद भी। और वो लगभग 1.5 करोड़ खाते ये इसमें होने जा रहे हैं, एनपीए में होने जा रहे हैं उत्तर प्रदेश में, जो ब्याज के मीटर और सेल के टर्नओवर के कम होने की वजह से अपनी किस्तें नहीं देने का काम कर सके, तो वो लोग भी आहत हैं। और दूसरा कोरोना से भी बहुत सारे लोग आहत हैं जिन्हें जो सरकारी योजनाओं का लाभ नहीं मिला, उन्हें डिस्चार्ज स्लिप में कोरोना नहीं लिखा गया, लोगों ने अपने परिजनों की डेड बॉडी कोरोना प्रोटोकॉल में ली, उनकी अंत्येष्टि की, परंतु उनको कोरोना के अंतर्गत जो लाभ मिलना चाहिए था उसका लाभ उन्हें नहीं मिल पाया। निश्चित रूप से ये तमाम चीज़ें भी एक इनकम्बेंसी के रूप में लोगों को इस बात का महसूस का एहसास करा रही हैं और वो लोग भी इस सरकार को बदलना चाहते हैं। मेरा आखिरी सवाल, आपने अभी कोरोना की क्योंकि बात करी कि नीति आयोग की रिपोर्ट के तहत यूपी का सबसे ख़राब पब्लिक हेल्थ सिस्टम्स हैं, पब्लिक एजुकेशन की भी यहाँ पर स्कूलिंग की जो हालात हैं वो हम जानते हैं, क्या आप अपनी तरफ से एनविसाज कर रहे हैं उसको इम्प्रूव करने के लिए, क्या खास करके पीएचसीज वगैरह भी काफ़ी जगह डिसफंक्शनल ही हो चुके हैं? देखिए, यहाँ जब हम पहले विधायक थे तो हमने 5 पीएचसी शहर में, पहले कोई पीएचसी नहीं थी डिस्ट्रिक्ट हॉस्पिटल के अलावा, हमने 5 पीएचसी अपने आप डेवलप करने की कोशिश की थी जो आज मेन सेंटर के रूप में लोगों को हेल्थ फैसिलिटीज़ देने का काम कर रही हैं। परंतु निश्चित रूप से हमारा ये टारगेट होगा, सहारनपुर एक टापू बन गया जहाँ से मरीज को पड़ोस के प्रदेशों में जाना पड़ता है, या तो यमुनानगर या देहरादून या दिल्ली या चंडीगढ़, तो हम यहाँ प्राइवेट और पब्लिक दोनों के इंफ्रास्ट्रक्चर को मिलाकर कुछ इस तरह की फैसिलिटी को फैसिलिटेट कर सकें जिससे कि यहाँ के मरीज को बाहर ना जाना पड़े। और पूरे प्रदेश स्तर पर भी निश्चित रूप से आमूलचूल परिवर्तन होगा, जो हमारी प्राइमरी एजुकेशन है उसकी जो फैसिलिटीज़ हैं उसमें, और अपने हेल्थ सिस्टम में एक इंफ्रास्ट्रक्चर वाइज भी हम नया इम्प्रूवमेंट करने की कोशिश करने का काम करेंगे। थैंक यू सो मच संजय जी फॉर गिविंग अस टाइम इतने बिजी शेड्यूल के बीच में। थैंक यू।